हेलो गाइस, मेरे साथ नायक है। नायक, थोड़ा आपके बारे में बताना, आपका एमबीए के किस सब्जेक्ट में था एंड यहाँ पर किस सब्जेक्ट में अभी पीएचडी कर रहे हो। अभी नायक सेकेंड ईयर में है, सो नायक बताना आप किस में पीएचडी कर रहे हो। मेरा पीएचडी चल रहा है, देखो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। हाँ, तो पहले मैं इधर एमबीए किया था 2015 में 17 तक। ओके। तो उसके बाद मैं 5 साल जॉब करके आया था। हाँ, तो एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड मतलब ग्रेजुएशन था बीकॉम कंप्यूटर में। उसके बाद मैं परस्यू किया था एमबीए हेल्थ केयर। उसके बाद मैं 5 साल जॉब करके आया था। अभी थोड़ा मतलब मुझे पीएचडी इंटरेस्ट था, तो मैं 2019 में भी ट्राई किया था। उस टाइम इंटरव्यू तक आया था, फिर सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर वापस चला गया। बीच में कोविड ब्रेक भी था, तो फिर आया था 2023 में, तो सेलेक्ट हुआ। मेरा प्रपोजल दिया था मैं, देखो, AI इन हॉस्पिटल, पेशेंट का परसेप्शन कैसा रहता है। हाँ, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एडॉप्शन कैसा रहता है। हाँ, वो सब सोच के मैं दिया था। तो हाँ, मुझे मेरा बैकग्राउंड मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसलिए थोड़ा इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा था, क्योंकि मैं वर्क एक्सपीरियंस था, उसलिए हो गया। मेरा 2-3 क्वेश्चन पूछा था और पर्सनल क्वेश्चन पूछा था। एंड मेरे को बताना, जो मैनेजमेंट का हमारा यूनिवर्सिटी पहले एंट्रेंस ले रहा था, अभी तो एंट्रेंस नहीं है अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो इंटरव्यू कितना टाइम तक चलता रहता है? मतलब ये पूरा नोटिफिकेशन से इंटरव्यू तक नहीं 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 इंटरव्यू जो रहता है पैनल में, कितना क्वेश्चन पूछते रहता है? अरे 5 से 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पूछता है। बस डिपेंड्स ऑन आपका प्रपोजल इंटरेस्ट है तो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, प्रपोजल इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब आपको देखे उनको पता चलेगा आप कितना स्टैंडर्ड हो, नहीं वो सब। एंड ये लोग ज़्यादा प्रपोजल से क्वेश्चन पूछते हैं कि बाहर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, लाइक आपका पर्सनल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रपोजल के ऊपर? आपका AI हॉस्पिटल इन AI के ऊपर था, पहले आपका मतलब पर्सनल पूछता है, उसके बाद आपका पूरा एडुकेशन का पूछता है, उसके बाद प्रपोजल के हिसाब से पूछता है। इनकेस टॉपिक भी इंटरेस्ट मिलागा तो उसको और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो वहाँ से। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एडमिशन, लाइक जो मेरिट लिस्ट निकला है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम कितने में था? पूरा फर्स्ट लिस्ट में था कि मतलब वेटिंग में था? मेरा ST को एक ही सीट था, मैं ST में आया था, मेरा ये फर्स्ट नेम। ओके, सेलेक्ट मुझे किया था। और कितना लोग को बुलाया गया था ST का, लाइक अराउंड हाउ मेनी पीपल? ST वालों को आसपास 6 से 7 लोग को बुलाया था, उसमें फर्स्ट नंबर मेरा ही था। आपका हो गया। सो मेरे को बताना, जो हमारा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल फैसिलिटी क्या है एंड यूनिवर्सिटी लाइफ कैसा है? देखो, कंपेयर टू PG हॉस्टल्स, PhD का हॉस्टल थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि हर रोज़ हाइजीनिक पूरा चलते रहता है, वॉशरूम भी धोते रहते हैं, खाना भी अच्छा मिलेगा। PG के से हम कंपेयर नहीं कर सकते, PhD वालों को थोड़ा अच्छा खाना मिलता है, हॉस्टल भी अच्छा रहता है। हाँ, एंड मेरे को बताना, जो लोग ज्वाइन हो रहा है सबको स्कॉलरशिप रहता है कितना? हमारा यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप रहता है, यूनिवर्सिटी का नॉन नेट फेलोशिप मिलता है 8,000। इनकेस किसी के पास मतलब NFS नहीं है, NFSCU नहीं है, NFOBC नहीं है, और JRF नहीं है, और कुछ दूसरा नेशनल फेलोशिप नहीं है, तो उनको यहाँ का नॉन नेट मिलेगा, 8,000 तक मिलेगा। ओके। एंड जो कोर्स वर्क रहता है 6 मंथ रहता है हमारे बैच से, 1 साल कोर्स वर्क है। हाँ, मतलब पूरा 16 क्रेडिट क्लियर करना है, और कोई इलेक्टिव चाहिए तो वो भी ले सकता है एक्स्ट्रा। एंड 1 साल के बाद क्या PhD स्कॉलर डेली आके डिपार्टमेंट में बैठना होता है? द रियलिटी में बोल सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन सुपरवाइजर, आपका इंटरेस्ट में रहता है वो। कोई लोग नहीं आते है सुपरवाइजर बोलेगा तो। हाँ, देखो, ओके। मेरे साइड से देखो, मेरा सुपरवाइजर थोड़ा पंचुअल रहता है, टाइम मैनेजमेंट रहता है, तो मैं रोज़ आता हूँ, तो रोज़ अटेंड करता हूँ, वो सब चलता है। ओके। तो और एक क्वेश्चन था, लाइक जो लोग लाइक 1 साल के बाद, लाइक सपोज दे थिंकिंग नाउ दे स्टे इन हियर्स एंड प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट जॉब, लाइक ओनली ज्वाइन कर गया 1 साल कोर्स करने के बाद, कर सकता है क्या मैनेज, दोनों मैनेज कर सकता है? लाइक जो लोग प्रिपेरेशन कर रहा है स्टेट PCS का, देख, क्वालिटी PhD करना है तो ये दो काम नहीं कर सकते, कोई भी एक दो लोग कर सकते हैं, टैलेंटेड लोग, ज़्यादा टैलेंटेड लोग, बाकी के लोग नहीं कर पाते। गवर्नमेंट प्रिपेयर होना तो यहाँ का नहीं चलेगा, मतलब ये कैंपस में नहीं चलेगा, कोई स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ओके। एंड लाइक टाइम तो मिलता है, सपोज वो मैनेज कर सकता है तो कर। टाइम मिलता है, वो भी हमारा टाइम कैसा है डिपार्टमेंट में, हम प्रोफेसर के साथ कितने टाइम रहते हैं, हमारा टाइम कितना है, वो सब देख के मैनेज कर सकते हो, टाइम मिलता है। ओके, चलो, आप तो सब कुछ बोल दिया। एंड जो लुक न्यू अभी आ रहा है इंटरव्यू में, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, भी एक स्कॉलर है। हाँ, इसका मतलब इसका प्रोफाइल भी मतलब पूछना पड़ेगा ना आपका। हाँ, बारे में बोलो अभी। हाँ, मैं तो सो गाइस, आप जानते हो मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर लाइक इसका सीनियर हूँ,
बट रियल लाइफ में मैं इसका जूनियर हूँ, हाँ MBA में मैं जूनियर हूँ, फिर भी लाइक यहाँ पर देखो बहुत टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी देख रहे हो, रीडिंग रूम देख रहे हो, लाइक लोग हर टाइम पढ़ाई करते रहता है, जो लोग तेलंगाना के आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स प्रिपरेशन करता है गवर्नमेंट जॉब और जल्दी भी हो जाता है लोग का, एंड मैं देखा है मतलब साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वो लोग PhD के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते रहता है, जैसे मेरा कोर्स कॉलर है, कर सकता है, देखो डिपार्टमेंट हिसाब से रहता है कि डिपेंड करता है भी गाइड के ऊपर, ह्यूमैनिटीज देखो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट वाले वो कभी डिपार्टमेंट नहीं जाते, उनका कभी पढ़ाई लाइब्रेरी में होता है, तो हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा मैनेजमेंट का अलग होता है, मैनेजमेंट का फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस वाला का थोड़ा अलग रहता है और उनका अलग रहता है। और नायक पूछ रहे मेरा कुकिया क्वेश्चन पूछा गया था इन PhD इंटरव्यू में, देखो मेरा था बैकग्राउंड था अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक वो टाइप्स ऑफ अकाउंट ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एंड मेरा प्रपोजल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक आई डू इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, 4-5 क्वेश्चन वही पूछा गया था, पर्सनल क्वेश्चन मेरे को 4-5, एंड जो प्रपोजल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन वही पूछा गया था, सो वही है, ठीक है, चलो बाय। नायक ने सब कुछ बोल दिया, एंड नायक का मैं पर्सनल आपका कुछ लाइक अकाउंट है कुछ इंस्टाग्राम में जो लोग मैसेज कर सकता है कुछ भी डाउट है हेल्थ केयर रिलेटेड, वो सब आप देख लो डिस्क्रिप्शन में दे दो, हाँ, मैं आपको बोल दूंगा।